पटना से हमारे सहयोगी रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल का हाल बताने के लिए रवि भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन सबसे पहले पटना चलते हैं। रुपेश, बिहार की अगर बात करें, कोरोना का बहुत बुरा दंश झेला है बिहार ने, और दूसरी बात, बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में कोरोना से निपटने की तैयारी के लिए जो मॉकड्रिल इस वक्त किया जा रहा है वो तो जरूरी है ही। इस वक्त किस अस्पताल में आप मौजूद है और वहाँ कैसी तैयारियां? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे देश में सबसे बिकट समस्या इस वक्त बिहार के साथ ही है, क्योंकि बिहार में जो बोधगया है, बोधगया में हजारों बौद्धिस्ट यहाँ पे पहुँच रहे हैं और दलाई लामा की एक दीक्षा होनी है, और फिलहाल जो विदेश से आ रहे हैं उनमें 11 विदेशी जो बैंकॉक से और आसपास के कंट्री से यहाँ पहुँचे हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, और ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिव उनका RT-PCR रिपोर्ट आने के पहले वो सैकड़ों लोगों से संपर्क में आए हैं, तो ये एक बिकट समस्या है। लिहाजा जो बोधगया एयरपोर्ट है या फिर पटना एयरपोर्ट है, वहां पर जांच की संख्या बढ़ाई जाए, जांच तेज की जाए। जो पहले रैंडम सैंपलिंग हो रही थी वो अब जितने लोग आने वाले हैं, बाहर से जितने लोग आने वाले हैं, उन सब की जांच कराई जाएगी। और इसके अलावा मैं इस वक्त एक बार फिर से IGIMS में मौजूद हूं। एक बार फिर से मैं इसलिए कह रहा हूं कि वापस आ जाती है दुनिया घूम फिर कर अपने मरकज पर। जब कोरोना काल था तो ये कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल, और इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये कोरोना डेडिकेटेड वार्ड तब भी था और आज भी ये कोरोना डेडिकेटेड वार्ड है, और इस वार्ड में ये सारे बेड्स जो हैं ये ऑक्सीजन बेड्स हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये बताना, ऑक्सीजन दिखलाने का मकसद ये है कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात चाहे ये हॉस्पिटल हो, चाहे पटना का एम्स हो या फिर जिला का हॉस्पिटल हो, ऑक्सीजन को लेकर ही हुई थी। लिहाजा 1,20,000 लीटर किलो लीटर का जो प्लांट है वो तैयार किया गया पटना के 3 बड़े हॉस्पिटल में, IGIMS, PMCH और NMCH में। यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ IGIMS में, यहाँ 20-20 लीटर का यानी 40 किलो लीटर का 2 सिलेंडर जो है यहाँ पे लगाए गए, और उसके बाद से खास करके कोरोना के वक्त ऐसी स्थिति पैदा होगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई होगी। और जो मॉक ड्रिल होना है, और देखिए तमाम जो वार्ड हैं उस वार्ड में सबको डिप्लॉय कर दिया गया है, ये वार्ड बॉय यहाँ पे खड़े हैं अभी, बाहर ऑक्सीजन प्लांट के पास ना हो, कोई पैनिक ना हो, इसीलिए प्रशासन राज्य अपने स्तर पर अलर्ट है।